आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पाइसी सा मंचूरियन, और ये बहुत ही चटपटा एकदम तीखा सा ये बनेगा। इसको बनाना बहुत ही ईजी है, तो किस चीज़ों से हम इसे बनाएंगे तो आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले तो पानी 2 ग्लास को अच्छे से बॉईल कर लें। इसके बाद आप थोड़ा सा आपको नमक डालनी है उबाल आ जाने के बाद, और नमक डालने के बाद तुरंत ही डाल देना है हमको सोयाबीन। तो हम सोयाबीन का मंचूरियन बनाने जा रहे हैं, और सोयाबीन हमने पैकेट वाला जो छोटी पैकेट आती है 10 रुपए वाली, वो 2 पैकेट हमने लिया हुआ है सोया चंक्स। और इसको डालने के बाद एक बार जब उबाल आ जाए तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं करनी है, पकानी नहीं है। एक उबाल आ जाने के बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो हमने गैस को कर दिया है ऑफ़, और अब हम इसको छान करके निकाल लेंगे एक अलग से प्लेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इसको निकाल रहे हैं। इसको निकालने के बाद एक अलग बर्तन में ठंडा पानी में इसको हम डाल देंगे, ताकि जो ये भाप है, जो गर्म है, ये थोड़ा सा कम गर्म हो जाए, क्योंकि हमें इसे निचोड़नी है, फटाफट बनानी है। तो ठंडे पानी में इसको डाल दीजिए, और अब हम इसे निचोड़ना शुरू करते हैं। निचोड़ करके एक अलग से प्लेट में हम इसको रखेंगे। तो इस तरीके से आपको हल्के हाथों से इसको निचोड़ लेनी है। निचोड़ने का एक कारण सिर्फ ये होता है कि ये निचोड़ देंगे तो पानी निकल जाएगा, तभी जा कर के ये अब रस्से को ऑब्जर्व करेगा सब्जी में जा कर के। तो इसको सारे निचोड़ लें पहले। तो ये निचोड़ करके हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा बर्तन या कटोरा। इसमें हम डाल रहे हैं ये सोयाबीन, और न्यूट्री डालने के बाद हमें इसमें डालना है बेसन। बेसन हम 5 बड़ी चम्मच लेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा, इसका मोटा लेयर नहीं करना है, 5 बड़ी चम्मच पर्याप्त है। और इसको मिला लेंगे, और इसको मिलाने के बाद हम उतने ही मात्रा में डालेंगे मैदा, यानी 5 बड़ी चम्मच हमें मैदा चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं। आप यहाँ बेसन की जगह पे मक्के का जो आटा होता है, कॉर्नफ्लोर, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाल रहे हैं। हम बेसन डाल रहे हैं इसमें, और मैदा, और दोनों बराबर मात्रा में। इसको मिलाने के बाद 1 बड़ी चम्मच डालेंगे हम लहसुन का पेस्ट। चिली फ्लेक्स चाहिए हमें 1.5 बड़ी चम्मच, क्योंकि हम बहुत चटपटा सा बनाने वाले हैं, एकदम तीखा सा टेस्ट आएगा इसमें से। और इसको मिलाते रहें, क्योंकि नीचे जो है चिपक ना जाए, क्योंकि गीला गीला चीज़ और सूखा पाउडर दोनों चिपक जाता है। अब हम डालेंगे 2 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप, और इतना ही, यानी 2 बड़ी चम्मच चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। और एक चीज़ और, आपको सोया सॉस भी इसमें ऐड करनी है, क्योंकि सोया सॉस मतलब मस्ट होता है इसमें। हमारे पास अवेलेबल इस समय नहीं था, तो हमने स्किप कर दिया, लेकिन आप ज़रूर से डालें अगर है तो। नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के, यानी चम्मच से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको, बस जो पाउडर है, पाउडर पूरा गीला हो जाए उस हिसाब से पानी डाल देनी। एक बार में बहुत ज़्यादा डालना नहीं, क्योंकि लिक्विड नहीं करना है, बस इसको बाइंड देना है। तो इसको थोड़ा थोड़ा इसको मिलाते रहिए, और आवश्यकता पड़े तो पानी डालते रहिए। नमक अपने स्वाद अनुसार, तो हमने 1 बड़ी चम्मच से 1 चम्मच इसमें डाला अपने सोया बड़ी के अनुसार। इसको हमने डाल दिया। तेल हमारी गर्म हो रही है, मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं। आप कुकिंग ऑयल में जो भी यूज़ करते हो डाल दीजिए, गर्म कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा टेक्सचर कैसा तैयार हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही, ना लिक्विड है ना सॉलिड है। और एक एक सोया बड़ी के अनुसार, यानी जो न्यूट्री है उसके अनुसार ही साइज का पकौड़ी बना लीजिए मंचूरियन के लिए। उससे बड़ा नहीं, छोटा छोटा ठीक है, क्योंकि अब ये फूलेगा, जब ये रस्से को ऑब्जर्व करेगा तो फूल फूल के बड़ी हो जाएगी। और एक बार में 3-4 अगर आप लेंगे, बड़ा साइज ले लेंगे, तो थोड़ा सा अंदर से ये सोयाबीन कच्चा सा रह जाएगा। और ध्यान रहे, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी इसको ऐड करिए, और इसको डालने के बाद गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए, और इसको लाल करना है। तो ये देखिए हमने इसको फ्राई करके एकदम लाल सा कर दिया है। अब इसको निकाल दे रहे हैं, पूरी हो चुकी है। और वही जो बचा तेल है, उसी में हम आधी छोटी चम्मच मेथी दाना डाल रहे हैं। अलग से तेल हमें नहीं ऐड किया है, उसी तेल में हमारी बन जाएगी ये। तेल भी नहीं वेस्ट होगा और बन भी जाएगा। अब इसमें 5 प्याज बारीक कटी हुई हमने डाला, क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, क्योंकि प्याज ही एक ऐसा है जो बहुत ही अच्छा ग्रेवी देता है, इसलिए खूब सारा प्याज डाल के बनाइए। तो हमने खूब सारा प्याज, यानी 5 प्याज हमने इसमें डाला है। अब हम डाल रहे हैं इसमें लहसुन का पेस्ट, जो कि 1/2 बड़ी चम्मच था। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 बड़ी चम्मच,
चिली फ्लेक्स एक छोटी चम्मच। अब इसको मिला लीजिए अच्छे से। प्याज का जो आप कलर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करना है, कच्चापन नहीं देना है, प्याज को अच्छे से भूनना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी बड़ी चम्मच हमने डाल दिया। अब इसको मिलाना है और ये जो है तीखापन नहीं देगा, ये सिर्फ कलर देगा। इसको चिली फ्लेक्स हमने बहुत सारा डाला है तो ऑलरेडी बहुत तीखा होगा ये। तो अब इसको बस क्या करनी है, आपको अच्छे से इसको भूजनी है और देखने जब ये लगे कि ये हो चुका है और अच्छा सा हो चुका है, जैसे आप कलर देख रहे हैं हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन कर दिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो क्योंकि हम रस्सा ज़्यादा डालेंगे हमको अभी छोड़ना है इसको डाल करके, यानी सोयाबड़ी का जो पकौड़े बनाया हुआ है हमें उसको डाल करके छोड़ना है क्योंकि वो अच्छे से ऑब्ज़र्व करे उसको, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। तो हमने मीडियम ही था, थोड़ा बड़ा कटोरा था तो उस कटोरे से हमने डाल दिया है पानी। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कितना लिक्विड आपको देखने में सामने से समझ में आती है। एक उबाल इसमें जब आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे पकौड़ा अपना। उबाल आ चुकी है हमारी, अब हम इसमें पकौड़े जो बना करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। और इसको डाल करके अच्छे से मिला लीजिए, पहले ऊपर नीचे अच्छे से कर लीजिए। और जब ये मिल जाए तो अब इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये अच्छे से रस्से को ऑब्जर्व करेगा। और गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिए। 2 मिनट के बाद हम इसको खोल रहे हैं और खोलने के बाद ये देखिए थोड़ा सा अभी और ऑब्जर्व करना है, तो अब इसको खुले में करेंगे। तो ये देखिए हमारी अच्छे से एकदम टेस्टी सा मंचूरियन बन करके रेडी हो चुका है। और ध्यान रहे क्योंकि रस्से को बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना है इसके साथ में, ताकि अच्छे से जो आपका न्यूट्री है वो अच्छे से रस्से को ऑब्जर्व करे।